मेरे इंग्लिश टीचर ने मुझसे कहा, सुंदर लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने कहा, हे ब्यूटीफुल लेडी, नंबर देवबू का। ऐसे चाटे। एक बात सोच लिया आमिर मैंने। क्या? अपनी बीबी से दहेज ना लूंगा। बिल्कुल सही सोचा है यार तूने। मैं भी नहीं लूंगा अपनी बीबी से दहेज, उसके बाप से लूंगा। चाचा, ये सनी लियोन है ना, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, यार ये करती क्या होगी? बेटा, उसके पास छोटा सा होलसेल का बिजनेस है। अरे भाई साहब, क्या कर रहा हो? मैं दिखाई ना दे रही, चोरी कर रही हूँ। घर में कोई भी ना, किवाड़ उखेड़ के ले जाऊंगा, बेट डालूंगा। तो भाई साहब, मुझे कितना दोगे? तुझे क्यों दूंगा बे? चोरी मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, तुझे क्यों दूं बे? घर तो मेरा है ना। हाय, मैं नहीं पटूंगी। भाई मैंने सुना तुझे इंग्लिश बहुत आती है। हाँ भाई, कुछ भी पूछ ले, काट रखी काट। अच्छा चल, ये बता कि मोटी लड़की वापिस आ रही है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोटी लड़की भाई, गोल माल रिटर्न। पागल, जा चाय बना, खुद बना लो। शादी से पहले मेरी माँ सच कहती थी, इस आदमी से शादी मत कर, लेकिन मेरी मत्ती मारी गई, मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली। हे भगवान, उस भली औरत को मैं आज तक बुरा समझता रहा, और वो मुझे इस चुड़ैल से बचाना चाहती थी। हेलो हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ, हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं, आप ही लोग देख आओ, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत। दूध दही हाड़ी में, दूध दही हाड़ी में, आहोई डंटवा तोहरे। ओए तू सिंगल है? हाँ यार। इतनी झूठी है, कल ही मैंने तेरे को राहुल के साथ देखा है, क्या मिलता है तेरे को झूठ बोल के? नया बॉयफ्रेंड। देखो मेरे लिए फोन हो तो बोल देना, मैं घर पर नहीं हूँ। मेरे पति घर पर ही है। मैंने कहा था ना कि कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। शांत रहो, हर बार जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही फोन हो। मैंने सुना है तू बहुत खतरनाक आदमी है। बिल्कुल सही सुना है तूने। तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यस। ये बाबा। काम बता। आंखों ने में। अरे क्या हुआ? से। अरे पैसे तो देते मेरे। निकल यहाँ। भाई 100 रुपए दे दे, कल ले लियो। 100? अरे 200 ले भी दे। ओए 200 ले भी दे। अरे अंकल प्लीज मान जाओ ना यार। भाई क्या हो गया? भाई लड़की तो शादी के लिए मान गई, पर उसका बाप नहीं मान रहा। बाप नहीं मान रहा, बात करा मेरी। क्यों भाई बुड्ढे, समझ में नहीं आ रही क्या? बुढ़ापे में सटिया गया क्या? अबे बेटा घर से उठा लेंगे, समझ जा बेटा, बता रहा हूँ ना। हाँ चल ठीक है, ले भाई अब मान जाएगा। और क्या बात है, लड़की पटा ली। वैसे लड़की है कौन? भाई तेरी बहन। भाई लॉकडाउन में एक चीज का पता तो लग गया, बीवियों को घर में काम बहुत होता है, बेचारी थक जाती हैं, इसलिए 2 होनी चाहिए। बेटा पढ़ने जाओ, शेर के बच्चे रोते नहीं हैं। शेर के बच्चे पढ़ने भी तो नहीं जाते हैं। इरिटेट मत करो, थप्पड़ मार दूंगा। मेरा बाबू मुझे कभी थप्पड़ मार सकता है? चट देनी मार। बाबू बाजारे चलता ना। का करे जे? मोबाइल ले एक बार। कौन मोबाइल ले रे? ओप्पो। इका ओप्पो गोप्पो लगाए है? कौन संस्कारी मोबाइल ले, जैसे MI। बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेबी मैं मोबाइल हूँ और तुम मेरे से इतना प्यार करती हो तुमसे? ओ बेबी। अबे भाई इसके पास चाइना का मोबाइल है। अबे तो क्या हुआ? अबे चाइना के मोबाइल 4-4 सिम लगती है। कैसे आए गोरी? भाई। हाँ भाई। तेरी चेन खुली है। भाई ऐसे सबके सामने चेन मत बोला कर, बोला कर मेकअप बॉक्स खुला है। तो भाई तेरा मेकअप बॉक्स खुला है और लिपस्टिक दिख रही है। नो 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 नो। पहले मैं सिगरेट पीता था, फिर मुझे ये 2 दोस्त मिले, अब हम साथ मिलकर बीड़ी पीते हैं। जब सिंगल ही रखना था तो इतना सेक्सी क्यों बनाया भाई? भाई
तीन सवाल पूछूंगा, अगर तीनों का गलत जवाब दिया तो 500 दूंगा, अगर एक भी ठीक दिया तो तू मुझे 500 देगा। डन डन, पूछ, गलती तो देने है। अच्छा बता, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? तू। पाकिस्तान में सूबे कितने हैं? 10। तेरे बाप का नाम क्या है? अगर शादी के बाद छोरे का पेट ना निकले तो समझ जाइए जनाब, छोरा शादी से खुश ना। भाई पागल हो क्या, क्यों मार रहे हो खुद को? भजन आपकी शादी हुई है? नहीं। तो फिर आपको नहीं समझ आएगी, जाएं आप। सुनो जी, देखना जरा मेरे चेहरे पर मच्छर है क्या? हाँ है, एक मिनट रुकना जरा, देखूं जरा मर गया क्या। भाई शादी शुदा आदमी की जिंदगी भी सरकारी रोडवेज की नाम है, दिन भर खट्टे ही धूल खाओ, शाम का तो डिपो में आनू ही पड़ेगा। शादी करके फंस गया यार। बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। दुनिया की सभी औरतें ना चुड़ैल होती है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं चुड़ैल हूँ? अरे नहीं बेबी, तुम तो रानी हो। सो स्वीट। उन चुड़ैलों की। Wow, what a swimming pool! No swimming pool! What happened? This is the cola! No, no, no. Give me the marine! No! Go! मुझे आती नहीं पतंगों जैसी चलाकी, कि मुझे आती नहीं पतंगों जैसी चलाकी, गले मिल के गला काट दूं, मैं वो मांझा नहीं। कोई नहीं मुकाबला फ्रॉम द बॉटम। जो ऐसा है कि मुझे हल्के में लेना छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत मालदार हूँ। अरे मास्टर जी, कोई फायदा ना है इतने पैसे का, इतनी मालदारी का कोई फायदा ना है। फायदा क्यों ना होता भाई? अरे मास्टर जी, तुम हमारे विराट कोहली को ही ले लो, अब उसके पास महंगी गाड़ी है, महंगी बाइक है, BMW है, लेकिन वो रन लेने के लिए पैदल ही दौड़ता है। सही कह रहा, सही कह रहा। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? रे, तेरा बीबी इतना बेइज्जत करती है, तू काहे कुछ नहीं बोलता है? तेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तेरी दहेज ज्यादा ले लिए थे। अरे ये नादिर सुअर की उम्र कितनी हो गया है भाई? यही 12-13 साल। तू तो फिर भी 18-19 साल का हो गया यार। तो हम सुअर हो गए? हम नहीं, तुम। हेलो, अभी क्या भी आया? अबे यहाँ रख के बोल रहे तो भी आवाज पहुंच जाएगी उसको। अभी जल्दी है, जल्दी है, मार मार मार। क्यों मार लिए? तूने तो बोला मार मार मार। मैं पबजी में कह रहा हूँ। अरे कैसे है, कैसे है, कैसे है? अरे बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए समझी जी, आप कैसे हैं? समझी अभी हुए नहीं, हो जाएंगे। वैसे बिटिया क्या करती है आपकी? जी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है? कहाँ पर? टिकटॉक पर। तो वैसे लड़का क्या करता अपना? जी वो तो आर्मी में। अरे कहाँ पर? पबजी में। अच्छा, लड़कियाँ अपने सिर के सारे बाल बांध लेंगी, बस 10-12 बाल छोड़ देंगी, उसको दिन भर ऐसे 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 करती रहेंगी। लड़कियों, हाथ नहीं दुखता तुम्हारा? उनके दोस्त आए बिना नोटिस के, फरमाइश गाजर का हलवा। शुक्र है हॉकिंस कॉन्चूरा का, इसमें खाना चलाना है कितना आसान, हलवा है तैयार आधे घंटे में। तो तुम तुम्हारी मम्मी को समझा लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा लूंगा मैं। कुछ मदद कर दो गरीब की, कुछ मदद कर दो। ओह नो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सातों जन्म सलामत रखे। अबे असुर वापस दे। पर भगवान ये भी कर रहे कि ये तुम्हारा सातवां जन्म। साला जब पहली बार कोई घड़ी बनाया होगा तो टाइम कहाँ से मिलाया होगा? हाँ यार, जो पहली बार दही जमाया होगा वो जोरन कहाँ से लाया होगा? साला जो पहली बार शादी किया होगा वो सुहागरात कैसे मनाया होगा? बेबी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? नहीं बेबी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ओह, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम अकेले रह जाओ। ठीक है, कर लूँगा बेबी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए।
और मेरा गोल्ड, क्या तुम उसे वो भी दोगे? नहीं बेबी, मैं उसे वो नहीं दूंगा। और हमारा कमरा, क्या तुम उसके साथ ये भी शेयर करोगे? बेबी कहाँ से, इसमें हमारी यादें बसी हुई है। और मेरी ये जीन्स बहुत महंगी है, क्या तुम उसे वो भी दे दोगे? अरे नहीं बेबी, तुम्हारी कमर तो 34 की है, उसकी 22 की है।